स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल रोशनी एकेडमी पर। हम आपको पढ़ाएंगे आज समाकलन की प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। पिछले वीडियो में हमने 1 से 5 तक क्वेश्चन बता दिए हैं 7.2 प्रश्नावली के। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 किताब में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखा हुआ है कि साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। तो हम यहां पर लिखते हैं साइन ए एक्स प्लस बी 5 इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब यहां पर हम इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले इसमें टी मानेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे। तो इसे सरल करने के लिए इसमें हम टी मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं माना साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी, हमने टी मान लिया। फिर उसके बाद इसका हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो सबसे पहले साइन का अवकलन करेंगे, ये जो लिखा हुआ है। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर हम कॉस और एक्स के लिए यानी थीटा के जगह पर क्या लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर हम ए एक्स प्लस बी रखेंगे। उसके बाद ए एक्स प्लस बी का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, यानी थीटा का भी अवकलन करेंगे ना। तो ए एक्स प्लस बी का भी अवकलन करेंगे। तो इसमें जब इसका अवकलन करेंगे तो बी का अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये अचर है। उसके बाद जब हम ए एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो ए एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। तो इसमें ये हो जाएगा कि ए हम बाहर लिख देंगे और फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इसमें बचेगा क्या, ए बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं डी एक्स अपान डी टी और टी का अवकलन क्या हो जाएगा, टी का अवकलन यहाँ पर हो जाएगा वन। फिर उसके बाद हमें निकालना क्या है, डी एक्स, हम डी एक्स बराबर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डी एक्स बराबर डी टी, इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डी टी अपान, अब ये जो गुणा में लिखा हुआ है इसको हम भाग में लाते हैं, इसको हम यहाँ पर लाएंगे। तो ये हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, यानी कि डी एक्स के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, डी टी अपान ए कॉस ए एक्स प्लस बी, डी टी के डी एक्स के स्थान पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि साइन, अब यहाँ पर हम साइन एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि साइन ए एक्स प्लस बी बराबर हमने क्या माना था, टी माना था, यानी इतना हमने टी माना था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टी। फिर उसके बाद ये कॉस एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी, तो इसको हम इसी तरह से लिख देंगे कॉस ए एक्स प्लस बी, और डी एक्स के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, डी टी अपान ए कॉस ए एक्स प्लस बी। तो डी टी अपान ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम ए कॉस ए एक्स प्लस बी, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें बचेगा क्या, टी और डी टी बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टी डी टी, ये बचेगा इसमें। अब इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे कर देंगे। तो टी का समाकलन क्या हो जाएगा, टी का समाकलन होगा टी स्क्वायर अपान टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। अब टी बराबर हमने क्या माना, साइन ए एक्स प्लस बी, ये टी बराबर है। तो टी के स्थान पर हम साइन ए एक्स प्लस बी रखेंगे। तो यहाँ पर हम रख देते हैं साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, यानी कि टी का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर हम टी रख देते हैं और वन अपॉन टू क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे सी। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वन अपॉन टू साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा। ये इतना ही रहने दो, ये इसको इतना भी लिख सकते हो। फिर अब यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर सिक्स किताब में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें लिखा हुआ है रूट ए एक्स प्लस बी, क्वेश्चन नंबर सिक्स लिखा हुआ है इसमें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स रूट ए एक्स प्लस बी, ये क्वेश्चन नंबर सिक्स है। और यहाँ पर हम डी एक्स रख देते हैं, इसका हम क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इसका समाकलन, यानी इसको सरल करने के लिए इसमें हम क्या मान लेते हैं, ए एक्स प्लस बी का हम टी मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी बराबर टी, यहाँ पर हम लिख देंगे माना माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी। अब इसका हम जब अवकलन कर देंगे तो बी का अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये अचर है। और ए एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो हमने पहले लिखा था ए एक्स का अवकलन क्या होगा, ए एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि एक्स का अवकलन वन हो जाएगा और बचेगा क्या, ए बचेगा। तो ए एक्स प्लस बी का अवकलन क्या होगा, ए बचे ए होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ए लिख देते हैं और डी एक्स अपान डी टी बराबर वन, टी का अवकलन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और फिर इसके बाद डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी अपान ए, इसको हम यहाँ पर ए लिख देते हैं। और डी एक्स के स्थान पर हम क्या रखेंगे, डी टी अपान ए रखेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको ए एक्स प्लस बी बराबर हमने क्या माना, टी माना। तो ए एक्स प्लस बी के स्थान पर हम टी रखेंगे, तो टी। और जो ये रूट लिखा हुआ है, रूट की वैल्यू क्या होती है, वन बाई टू, यानी जो रूट लिखा हुआ है इसको हम पावर में इस तरह भी लिख सकते हैं, ये रूट के रूट को हम वन बाई टू भी लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर डी एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, डी टी अपान ए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डी टी अपान ए। अब इसमें कुछ कटेगा तो है नहीं, तो वन अपान ए हम बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम वन अपान ए बाहर कर लेंगे और बचेगा क्या इसमें, टी की पावर वन बाई टू डी टी। अब इसका हम क्या कर देंगे, सरल, ए सरल हो गया। अब इसका हम समाकलन आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो वन अपान ए और टी की पावर वन बाई टू, इसका जब हम समाकलन करेंगे तो इसमें एक पावर जोड़ देंगे, जो पावर आएगी उसी से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यानी कि ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे टी की पावर वन बाई टू और प्लस इसमें एक जोड़ देंगे और उसी पावर से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो इसको हम हल कर लेते हैं, तो इसमें आ जाएगा टी की पावर थ्री बाई टू। अब इसी पावर से जब हम भाग करेंगे और इसको जब हम गुणा में लिखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी इसमें हो जाएगा टू बाई थ्री, ये हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं टी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि टू अपान थ्री ए और टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू यानी टी बराबर हम क्या ए एक्स प्लस बी बराबर टी था, तो टी के स्थान पर हम क्या रखेंगे, ए एक्स प्लस बी रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी की पावर थ्री बाई टू प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। तो क्वेश्चन नंबर सेवन इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक्स रूट एक्स प्लस टू, एक्स रूट एक्स प्लस टू, क्वेश्चन नंबर सेवन इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर सेवन लिखते हैं, सेवन एक्स रूट एक्स प्लस टू, ये डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसका समाकलन अगर हम टी मानेंगे, इसको हम यहाँ पर टी मानेंगे तो इसमें टी क्या आएगा, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, इसका समाकलन जीरो हो जाएगा, इसमें कुछ कटेगा तो है नहीं। तो सबसे पहले इसको हम सरल करने के लिए एक्स यानी दो से हम क्या कर देंगे, दो इसमें जोड़ देंगे और दो इसमें घटा देंगे, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, यानी टू से टू कैंसिल हो जाएगा फिर एक्स हो जाएगा। तो इसीलिए हमने एक्स प्लस टू यानी एक्स प्लस टू इसमें लिखा हुआ है ना, इसीलिए हमने दो जोड़ दिया और दो घटा दिया इसमें, क्योंकि टू लिखा हुआ है एक्स के बाद। फिर उसके बाद हम करेंगे रूट एक्स प्लस टू और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब रूट एक्स प्लस टू का हम अंदर गुणा कर देंगे, तो जब हम अंदर गुणा करेंगे तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस टू माइनस टू, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका हम
कूड़ा कर देंगे, एक्स रूट एक्स प्लस टू का यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। अब इसको हम गुणा करेंगे तो एक्स प्लस टू से गुणा करेंगे रूट एक्स का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स प्लस टू रूट एक्स प्लस टू, ये हो जाएगा। और टू से जब हम गुणा करेंगे माइनस टू रूट एक्स प्लस टू, ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस टू की पावर थ्री बाई टू। अब देखो इसको हम कैसे लिखते हैं थ्री बाई टू, जैसे यह लिखा हुआ है एक्स और लिखा हुआ है रूट एक्स, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसमें पावर एक है, इस एक्स में पावर क्या है एक है, और रूट डी एक्स को हम क्या लिखते हैं यानी रूट एक्स को हम लिखते हैं एक्स की पावर वन बाई टू, इसको हम ये लिखते हैं एक्स की पावर वन बाई टू। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, यानी कि इसमें पावर एक है और रूट डी एक्स को हम क्या लिखेंगे वन बाई टू लिखेंगे। अब इसमें पावर एक है और इसमें पावर वन बाई टू, यानी कि दोनों के आधार क्या है बराबर है, तो इसमें घाते क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगी, तो वन प्लस वन बाई टू जब इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा थ्री बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स की पावर वन बाई टू और प्लस वन इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा थ्री बाई टू हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया एक्स प्लस टू की पावर थ्री बाई टू, यानी इसमें पावर क्या है वन है और इसकी पावर हम क्या लिखेंगे वन बाई टू लिखेंगे, तो दोनों की पावर क्या कर देंगे यानी वन प्लस वन बाई टू, तो कितना हो जाएगा थ्री बाई टू हो जाएगा। इसीलिए हमने एक्स प्लस टू की पावर थ्री बाई टू लिखा। अब यहाँ पर हम टू बाहर कर लेते हैं, इसमें हम इसका अवकलन कर समाकलन कर देते हैं डी एक्स माइनस टू, इसका हम टू इसको बाहर कर लेंगे और इसमें जो जो लिखा हुआ है एक्स प्लस टू इसको हम क्या लिखेंगे एक्स प्लस टू की पावर वन बाई टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसका समाकलन कर देंगे तो एक्स प्लस टू की पावर थ्री बाई टू इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन होगा एक्स प्लस टू की पावर थ्री बाई टू में हम क्या कर देंगे एक जोड़ देंगे और उसी पावर से हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा फाइव बाई टू। अब इसी पावर से हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे यानी फाइव बाई टू हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस टू एक्स प्लस टू का जब हम समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा एक्स की पावर थ्री बाई टू अपान थ्री बाई टू, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम करते हैं इसको एक्स प्लस टू, अब इसको हम लिखेंगे जो पावर में ये लिखा हुआ है यानी कि पावर में नहीं ये लिखा हुआ है भाग में यानी फाइव बाई टू इसमें भाग में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर देंगे गुणा में लिखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा यानी फाइव बाई टू लिखा हुआ है तो टू बाई फाइव हो जाएगा। फिर इसको हमने गुणा में कर दिया एक्स प्लस टू की पावर थ्री फाइव बाई टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइव बाई टू हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा टू, और यहाँ पर जो थ्री बाई टू लिखा हुआ है इसको हम गुणा में करेंगे तो क्या हो जाएगा टू बाई थ्री हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स की पावर थ्री यानी कि इसमें लिखा हुआ एक्स प्लस टू यहाँ पर सॉरी यहाँ पर गलत हो गया था एक्स प्लस टू की पावर थ्री बाई टू हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स प्लस टू की पावर थ्री बाई टू और प्लस सी हो जाएगा। इसका हम गुणा भी कर सकते हैं तो टू बाई फाइव एक्स प्लस टू की पावर फाइव बाई टू माइनस, अब ये टू और टू का गुणा करेंगे तो फोर बाई थ्री हो जाएगा एक्स प्लस टू की पावर थ्री बाई टू प्लस सी, ये इसका समाकलन हो जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।